प्रदेश में तबादलों को लेकर कमलनाथ सरकार पर कटाक्ष करने वाले शिवराज सिंह चौहान अब खुद ही दनादन ट्रांसफर कर रहे हैं। आईएएस अधिकारियों के बाद शिवराज सरकार ने बड़े पैमाने पर सोमवार की रात आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। सरकार ने राज्य के 39 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें 19 जिलों के एसपी भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि सरकार उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की अदला बदली कर रही है, मगर इन सबके बीच चर्चा का विषय बनकर उभरी हैं आईपीएस सिमाला प्रसाद, जो काफी दिनों से पुलिस मुख्यालय में तैनात थी, मगर अब उनको फिर से बैतूल का एसपी बनाया गया है। जानकारी दे दे कि एसपी साहिबा फिल्मों में भी काम कर चुकी है, और तो और आईपीएस बनने के बाद भी उनके अंदर का एक कलाकार जिंदा था, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर जैगम इमाम की फिल्म अलीफ में एक रोल किया। ये फिल्म नवंबर 2016 में ऑस्ट्रेलिया के इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ क्विंसलैंड में बतौर वर्ल्ड प्रीमियर प्रदर्शित हुई और फरवरी 2017 में रिलीज हुई। चकाचक एक्सप्रेस से आदर्श की रिपोर्ट।